हाई दिस इज उमर रियाज प्लीज सब्सक्राइब टू सिद्धार्थ कानंद यूट्यूब चैनल लाइक एंड कॉमेंट ऑल्सो हम लोग लास्ट मिले थे जब लॉकअप का शो चल रहा था यूर गेटिंग आउट यूर वैनिटी वैन मैं आपसे मिला था आई सेड हाई टू यू वो कौन सा टैग है जो उम्र कहता है यार ये मैं हूं और ये सुनकर मुझे सबसे खुशी मिलती है आई थिंक मुझे लगता है जो लोग मुझे जानते हैं आई मीन दर्सन आई एम इट इज ओनली बिकॉज ऑफ जो मेरा प्रोफेशन है एज ए डॉक्टर एज ए सर्जन आई थिंक अठारह साल का था आई इंटर कॉलेज एंड अट्ठाईस साल तक दस साल मैंने वो कॉलेज में बिताया हॉस्पिटल में आई थिंक वो जो पर्सनैलिटी वो जो ग्रूमिंग हुआ है मेरा आई थिंक वो कॉलेज से हुआ है और वो जो टैग है डॉक्टर का वो हमेशा पहले आई मीन ठीक है एक्टिंग है जो भी रियलिटी टीवी है है आई थिंक वो जो डॉक्टर है इट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट बिकॉज वो जितनी मैंने उसमें मेहनत की है बिकॉज वो दस साल का पीरियड था जो द, 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 द हार्ड वर्क एंड सो so, जो पर्सनैलिटी बनी है जो लोग जानते हैं मुझे जैसा भी मैं हूँ तो आई थिंक वो जो डॉक्टर टैग है वो आई थिंक दैट इज़ वॉट डिफाइंस मी आप अभी भी प्रैक्टिस करते हो कि नहीं अभी मैं प्रैक्टिस नहीं करता हूँ बट इनशाला वेरी सुन आई मीन वो पार्ट बिकॉज क्या होता है यू नो यू बिकम रस्टी ऑब्वियसली ये चीज़ भी चल रही है बट यू नो दैट स्किल आई एव डेवलप्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टेन ईयर्स तो मैं वो चाहता हूँ कि वो चीज़ यू नो की यू नो यू डोंट गेट रस्टी बट अब मैं वहाँ पर भी थोड़ा यू नो की माई सेल्फ पॉलिश हेयर एज वेल हेयर एज वेल सो मैंटेन अ बैलेंस फॉर देट माई मेंटल पीस इज़ फाइन बताओ जब बिग बॉस 15 में शहरत मिली जी उसके पास मेंटल पीस चली गई कि क्या हुआ uh, मैं सच बोलूं एक्चुअली ऑनेस्टली ऑनेस्टली बताता हूं मैं इतना ज़्यादा वक्त मिला कि एक्चुअली मेंटल पीस चली गई सच बोलूं तो और बट आई थिंक दिस इज ह्यूमन नेचर यू नो आप सोच जब मैं उस साइड पे था वन आई वोज डॉक्टर सर्जन मैं हमेशा इस चीज़ के लिए यू you नो know, uh, मैं चीज़ मैनिफेस्ट करता था डिज़ायर करता था लेकिन अब जब मैं इस साइड आया हूँ ना आई स्वेर आई मैनिफेस्ट दैट और डिज़ायर दैट एज वेल बिकॉज अब आपके पास वक्त ज़्यादा है अब तो और एज अ पर्सन मैं हमेशा आई वॉज ऑलवेज़ बिजी डूइंग समथिंग और दी अदर लाइक यू यू हेल्पिंग सम वन यूर डूइंग सर्जरी और तो अभी यहाँ पे कि शूट है हफ़्ते में है या महीने में एक बार है एंड अदर डे यूर जस्ट डूइंग यू जस्ट वर्किंग आउट और समथिंग तो वो मेंटल पीस ऑब्वियसली चला जाता है आपका तो आई थिंक उसके बाद मैं ज़्यादा स्ट्रगल किया हूँ मेंटली एज़ कम्पेयर टू बिफोर बिकॉज उस वक्त क्या होता है आपकी एक लाइफ सेट होती है कि हाँ आप सुबह उठना है आपने जाना है यू हैव समथिंग यू हैव अ सर्जरी यू डू इट यू कम बैक होम यू वर्कआउट हाफ ऑफ़ द डे इज़ ओवर आपके पास रात के सिर्फ तीन चार घंटे हैं क्योंकि मैं वर्कआउट मैं सीधा जिम से बड़ा सा बैग मैं सुबह भरता था और हॉस्पिटल से सीधा जिम में कूदता था मैं पाँच बजे और वहाँ पर साढ़े आठ बजे तक आई वुड डू माई वर्कआउट और वही बैग फिर मैं घर आता तो मेरे पास स्लॉट था ही नहीं ज़्यादा तीन चार घंटे का था और रात को फिर वापस ऑब्वियसली हैव टू वेक अप सेवन इन द मॉर्निंग तो आप यू नो यू आर ऑलवेज डूइंग बट सम हाउ इन योर माइंड आपका एक डिज़ायर होता है कि यू you नो know, वो चीज़ मुझे चाहिए तो आई थिंक मुझे लगता है उसी की वो जो डिज़ायर और मैनिफेस्टेशन होता है और आप ऑब्वियसली मेहनत करते हो तो आई थिंक द लॉर्ड ऑल्सो सीज इट की दिस गाय वॉन्ट्स इट बैडली तो ही जस्ट आई थिंक ही पिक मी फ्रॉम दैर एंड इज लाइक ओके नाउ यू कैन लिव योर लाइफ तो बट फिर भी उसकी वजह से क्या होता है फेम आ और आप अकेले भी हो जाते हो एक तरह से जब आपका फेम आता है और आप थोड़े से अपना सर्कल कम कर देते हो आपको लगता है कि यू नो नाउ पीपल आर कमिंग टू यू जस्ट बिकॉज बिकॉज पहले कोई पूछ नहीं रहा था आपको अब एकदम से आपको इतने लोग पूछने लगते हैं आपको लगता है यार ये मेरे पास नहीं आ रहा ये जो जो ये ये जो आई थिंक जो न, द, ये जो दुनिया अभी नई नई बनी है उसके लिए मेरे पास आ रहा है तो उसकी वजह से आप थोड़ा और कंस्ट्रिक्ट हो जाते हो सर्कल कम करने लगते हो मैं ज़्यादा ना मिलता हूँ किसी से मैं ज़्यादा ना बात करता हूँ या फिर ज़्यादा दोस्ती पे ना पहले बनाई भाई है मेरा यहाँ से बॉम्बे जब से मैं आया था आई मीन वी हैव बीन इन टच पर मेरा कोई वैसा दोस्त नहीं बना यहाँ बॉम्बे में आई थिंक यहाँ आई डोंट नो बट उसके बाद भी बिग बॉस के बाद जब इतना शोर ऑब्वियसली पीपल वॉन्ट टू गेट एसोसिएटेड विद यू बट मैं नहीं करना चाहता था बिकॉज मुझे ऐसा लगता था यू you नो know, कि आई डोंट नो इफ आई एम कि मेरे लिए आ रहे हैं कि और बिकॉज इट्स बिकॉज ऑफ शोहरत के लिए हाँ बिकॉज इतना आपको अटेंशन मिल गया कि नाउ एवरीबडी वॉन्ट्स टू टेक्सट यू एवरीबडी वॉन्ट्स टू मीट यू एंड यू नो तो वो चीज़ है यू हैव टू बी केयरफुल ऑल्सो यू नेवर नो बिकॉज लोगों का एक हमेशा एक यू नो मोटिव रहता है एक एजेंडा रहता है और ऐसा हुआ भी मेरे साथ कि यू नो जिन लोग कोशिश किया उन्होंने मेरी लाइफ में आने के लिए मैंने यू नो आई पर मैंने उनको इतना भाव नहीं दिया तो जब भाव नहीं दिया तो दे स्टार्ट टॉकिंग अबाउट बिहाइंड माई बैक अबाउट मी और उसकी वजह से आई एम श्योर थिंग्स हैव चेंज विद पीपल यू नो तो हाउ दे टॉक टू मी और दे इग्नोर मी और समथिंग दे ट्राई टू कॉज ट्रबल इन माई लाइफ बट सम हाउ बिकॉज जब आप खुद बने होते हो ना तब आपको किसी का फर्क नहीं पड़ता है कि कौन क्या सोच रहा है और क्या बोल रहा है आपके बारे में सो आई वॉज ऑलवेज लाइक दे वॉन्ट से इट्स इट बट हाँ जब तक मैं और मेरा भाई जब तक यू नो वी वी आर टुगेदर तो आई डोंट थिंक एनी फोर्स कैन हार्म अस बट हाँ अगर यू नो ियसली दे विल ट्राई टू गेट इन बिकॉज ऑब्वियसली सम हाउ इट बोथ द ब्रदर्स हैव यू नो कम इन एंड दे बिकेम फेमस विद द विल ऑफ़ गॉड आई वुड से तो पीपल ट्राई टू कम इन बट वो जो बॉन्ड है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि इन नो बडी कैन कम इन ये बताओ भाई जो आप कह रहे हो कि कुछ लोग आए थे जो hmm. आपके बारे में पीठ पीछे बात कर रहे एग्जैक्टली ये वो बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स थे जो बाहर आने के बाद आपके बारे में बात कर रहे थे नहीं nee, कंटेस्टेंट con नहीं मैं बोलूँगा ऑब्वियसली क्या होता है कि अब पीपल विल मैसेज यू एंड यूर कि यू रिप्लाई ओके यू नो यूर लाइक ओके यू नो यू डिड और वट यू नो तो फिर दे मीट यू एंड आई वॉज लाइक ओके फाइन तो बट उसके बाद आई थिंक जो वो चाहते थे मेरे से वो मिला नहीं बिकॉज आई आई टोल्ड यू आई वॉज वेरी केयरफुल आई वुड नेवर लेट एनीबडी कम इन टू माई लाइफ ऐसे बिकॉज आई नो लोगों के एजेंडा में यू नो आई कैन रीड अ पर्सन बिकॉज ऑब्वियसली चौबीस लोग थे बिग बॉस के अंदर राइट तो उन सब के सब के साथ बात की और यू नो आपको एक बिग बॉस इज़ अ डिफरेंट एक्सपीरियंस आप लाइफ में इतने लोगों से मिलते नहीं हो ना इतनी बात करते हो तो वहाँ से ऑब्वियसली आप एक यू नो आपको समझ आ जाता है कि इंसान क्या चाहता है आपसे तो वो फिर मैं जब इग्नोर किया फिर उन्होंने यू नो दे ट्राइड कहीं और से यू you नो know, uh, मेरे बारे में गलत बात करना है ट्राई टू क्रिएट ट्रबल लाइक वॉट लाइक यू नो कि उमर सेट दिस अबाउट यू और दिस अबाउट यू बट एंड वो बंदा मेरे को उसने कन्फर्म नहीं किया एंड दे बिलीव दैम राइट बिकॉज मेरी उनसे ज़्यादा बात नहीं होती थी या जो भी था सो ट्राई टू क्रिएट यू नो सम ट्रबल इन माई लाइफ एंड इट डिड क्रिएट अ ट्रबल बट

अपना डाइट है अपना वर्कआउट है अपना काम है राइट right? और मेरी एक फैमिली है बस मुझे और कोई भी नहीं चाहिए सेट मेरे जो दोस्त बने भी या जो हैश के लिए भी लोग दोस्त बनते हैं यहाँ पे सीरियसली अब मैंने ऑलमोस्ट आई हैव गॉन अवे फ्रॉम एवरी वन यू नो वाई बिकॉज नाव आई एम लाइक बिकॉज नाओ आहिस्ता आहिस्ता इन लोगों के ना चेहरे आपको सामने आने लगते हैं कि ये लोग एक्चुअली आपके दोस्त हैं कि जस्ट बिकॉज यू गॉट फेमस दैट्स वाई दे आर योर फ्रेंड्स राइट तो so, आहिस्ता आहिस्ता मैंने अब सबको कट ऑफ कर दिया आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन माई फैमिली एंड माई सेल्फ दैट्स इट सम हाउ आई विल मीट दैम मंथ टू थ्री ओके फाइन दे एक्सपेक्ट मी टू कॉल देम आई एल नेवर कॉल देम बिकॉज मेरे पास और बहुत काम है बिकॉज क्या है वो दोस्ती में फिर उसने ये कहा उसको अब उसकी लाइफ के बारे में मुझे सुनना है मेरे पास वक्त ही नहीं है यू नो इफ यू हैव फ्रेंड्स हु विल हेल्प यू ग्रो एंड यू हु मेक यू हैप्पी देन आई आई विल कनेक्ट विद दैम बट आई आई टेल दैम कि डोंट एक्सपेक्ट मी टू कॉल यू एवरी डे Or you know, maybe once a week, maybe I'll text you just, okay, how are you doing? Fine. Maybe I will not. But don't think, you know, I have some, uh, you know, I think bad about you. But people want attention, obviously people want, you know, I, so I can't do that. Because I don't know, I am investing everything in, because this is a gamble which I'm taking because I was a surgeon, right? Now this is a new part of my life. I cannot give all my time to people or friends, whatever they call them, right? Just because they want to go out or they want to have fun, I don't like to party now.

स इन टच आई है बट यू नो आई वी डोंट मीट फ्रिक्वेंटली नाउ बिकॉज ऑब्वियसली एक साल हो चुका है राइट पहले ऑब्वियसली वो आप एक उसमें रहते हो अरे हाँ बबल में एक्चुअली यू इट्स लाइक अ बबल की यार यही दोस्त हैं आपके यही आपके सब कुछ हैं बट आहिस्ता आहिस्ता बिकॉज सबको अपनी ही पड़ी है और सब अपना ही काम ऑब्वियसली एवरीबडी इज़ लुकिंग फॉर वर्क एंड एवरीबडी वॉन्ट्स टू डू द बेस्ट राइट तो सब अपने अपने काम कर रहे हैं और मैं भी अपना काम कर रहा हूँ राइट जो भी है बट ये है कि ऑब्वियसली उतना ज्यादा अब मैं मिंगल भी नहीं करता हूं ठीक है ओके वंस अ मंथ ओके फाइन वंस टू मंथ वंस थ्री मंथ जैसे मैं करण से मिला था जनवरी में मिला था यू नो समाइम्स वी टॉक बट हाँ अच्छा है यू नो इट्स इट्स लाइक बट ऑबियसली वो नहीं है कि यू नो ऑबसली मेरे अब जम्मू के भी दोस्त हैं मैं भी उनसे महीने में ही एक बार बात करता हूँ क्योंकि अभी क्या अभी आप सारा टाइम अब आप और आपने लिया शायद करेक्ट मी आप इंट्रोवर्ट हो आई यू इन थ्रोवर्ट आई वुड से आई एम वेरी मच लाइक आई हैव क्रिएटेड अ बाउंड्री आई डोंट लेट पीपल इन बिकॉज आई थिंक बिकॉज मुझे ऐसा लगता है जब अगर आप वनरेबल हो जाते हो लोगों के सामने दे विल टेक एडवांटेज ऑफ यू राइट दे बिकॉज मुझे ऐसा लगता है बिकॉज मे बी दैट्स हाउ आई हैव ग्रोन अप बिकॉज पीपल हैव कम इन माई लाइफ एंड मे बी आई शोन दैम दे माई वीकनेस एंड दे टुक यू नो एडवाटेज तो अभी मैं वो करता ही नहीं हूँ आई डोंट ओपन अप हैव यू लॉस ट्रस्ट इन पीपल ऑब्वियसली फॉर श्योर मतलब अपने सिवाय आई डोंट थिंक आई विल बेट ऑन एनी वन एनी वन फॉर द मैटर ऑफ बिकॉज मुझे ऐसा लगता है अपने सिवाय आपके सिवाय खुद अच्छा सो कोई और आपका इतना अच्छा नहीं नॉट द बेस्ट फॉर यू एक्सेप्ट फॉर योर पेरेंट्स योर मदर योर फादर दे विल थिंक बट कभी कभी उनको भी समझ नहीं आएगा आपके लिए बेस्ट क्या है क्योंकि उनको अभी भी लगता है कि आई शुड गो टू जॉब नाइन टू फाइव बिकॉज उनके लिए उनको नींद अच्छी आएगी उनके लिए दे विल भी लाइक अच्छा चलो ठीक है यू you नो know, महीने का सैलरी बट जो लाइफ आपको चाहिए वो उनको आप कभी समझा भी नहीं पाओगे बिकॉज दॉर दैट फॉर मैटर ऑफ देट आई नेवर कॉम्प्रोमाइज़ फॉर इवन माई पेरेंट्स बिकॉज उनके लिए नहीं था कि मैं बॉम्बे आऊँ उनका था कि तू डेली चला जा कि हमें भी मिलता रहे पास में है बॉम्बे दूर है तो मैं हमेशा से ऐसा रहा है कि यू you नो know, कि मैंने सिर्फ अपनी ही मैंने पहली बात है किसी को कंसल्ट नहीं किया कि मुझे ये करना है या वो करना है जैसे बिग बॉस भी आया मैंने किसी को नहीं बताया कि भैया मेरे को इंटरव्यू के लिए आया मैं गया आई लाइक आई वन एक्सपीरियंस हुआ नहीं हुआ बट आई विल टेल दैन वेन आई गेट दी अपॉर्चुनिटी तो उसके बाद मैंने बताया सबको कि भैया ऐसा ऐसा हुआ है उससे बिकॉज आई थिंक आप जाओगे दस लोग आपको बोलेंगे अरे तुझे नहीं करना चाहिए और फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ पीपल हैव बीन टेलिंग मी यू कान डू दिस यू शूड नॉट डू दिस और यू कान डू दिस बट मुझे ऐसा पता था यू नो वाई आर एन मैटर ऑफ एनी एवरी वन हु इज वॉचिंग कि अगर आप कुछ काम कर रहे हो अगर आप एक जॉब कर रहे हो अगर आप कुछ अलग करना चाहते हो ऑब्वियसली पीपल विल टेल यू की डोंट डू दिस वाई मतलब वाई डोंट यू फोकस ऑन योर जॉब यू ऑलरेडी हैव एवरी थिंग इज वर्किंग फाइन फॉर यू बट आपको पता है नहीं यार मुझे आई थिंक देर इज मोर टू मी नॉट जस्ट दिस नाइन टू फाइव जॉब और वट एवर

अगला बंदा भी खुश हो वेरी लेस इन दिस आई थिंक मेरी लाइफ में बहुत कम है कि अगर कुछ एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है दिल बी हैप्पी तेजरन के साथ आप बहुत क्लोज थे राइट हाउस हाउस उतने ही क्लोज अभी भी हो सी वो घर में आई थिंक घर में एक तक था कि हाँ करण का ऐसा था कि ऑब्वियसली वो भी नॉर्थ से मैं भी नॉर्थ से हूँ तो एक यू नो एक लॉन्डे वाला हमारा दोस्ती थी बट ऑबियसली उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा तेजस्वी थी हमेशा से शो में बिकॉज ऑब्वियसली जो भी प्यार था मोहब्बत थी इन फैचुएशन थी वट एवर राइट ऑब्वियसली ही वॉज ऑलवेज इंक्लाइंड टूअर्ड्स तेज राइट बट सो जस्ट बिकॉज ऑफ हिम आई वॉज ऑल्सो कनेक्टेड टू हर राइट पर बाहर आके ऐसा मेरा तेजस्वी से यू नो आई डोंट हैव एनी थिंग अगेंस्ट अगर हम मिले भी हम एक बार मिले थे जब अभी uh, करण के साथ सो वी हैड फन सो so, ऐसा नहीं है कि यू नो बट यू नो वेन आई मीट पीपल जिनके साथ अपने टाइम स्पेंड किया है तो आई विल नॉट से आई एम क्लोज टू हर बट यू नो नथिंग अगेंस्ट इफ शी मीट्स मी लाइक लाई हाउ आर यू गिव यू हग एंड यू नो एवरीथिंग इज फाइन गुड यू नो यू ऑन यू वे आई एम ऑन मे नथिंग एल्स नथिंग मोर देन दैट आई वुड से तुम्हें क्या लगता है मेरे भाई की रियाज ब्रदर्स के साथ इंडस्ट्रीज अनफेयर मुझे ऐसा uh, मुझे ऐसा लगता है कि ऑब्वियसली बहुत सारे लोग जेलस हैं ही हैं बिकॉज सम फॉर द मैटर ऑफ जे आसिम है ही जस्ट केम इन द इंडस्ट्री वॉज अ मॉडल इतना सारा इतना फेम मिल गया और बिग बॉस वो अलग ही था थर्टीन राइट लाइक लाइक यू नो गॉड एसोशिएटेड विद आई वुड से डी जे स्नैक हो या फिर वो जॉन सीना के पोस्ट हो यू नो इट जस्ट ब्लू आउट ऑफ प्रपोर्शन राइट एंड समहाउ आई ऑल्सो एंटर्ड एंड यू नो

म्यूजिक वीडियोस तक ही वो कंस्ट्रिक्ट रहा आई थिंक सो उसमें कुछ मेन स्ट्रीम यू नो एक्टिंग एक्टिंग मुझे ऐसा लगता है वो नहीं हुआ आई डोंट नो उसके रीज़न क्या है मे बी आई एम नॉट गुड इनफ मे बी दे डोंट वॉन्ट टू वर्क विद मी वट एवर आई डोंट नो बट यू नो वॉट इट डजेंट मैटर आई स्वेस इट आई हैव नथिंग अगेंस्ट एनी वन यू नो वाई बिकॉज कभी होता है कि यार शिट यार मैं फेमस होने के बाद भी नहीं हुआ ऐसा पर ऐसा होता है कि लुक एट योर लाइफ विच यू यू नो नाइन टू फाइव जॉब था तुम्हारे पास यू आर ड्राइविंग अ स्विफ्ट राइट एंड यू आर जस्ट लिविंग ऑन पे चेक टू पे चेक एंड नाउ लुक एट योर सेल्फ राइट यू हैव ऑल द टाइम यू गॉट अ न्यू कार मनी इज कमिंग इन वाई आर यू सैड वाई इज़ देयर नो मेंटल पीस यू नो आई थिंक दिस इज़ साइंस आई थिंक गॉड इज स्टैंडर्ड हैज गिवन मी सो मच स्टिल आई एम नॉट हैप्पी कि अब ये भी ये वाला प्रोजेक्ट भी नहीं मिला ये वाली डील भी चली गई मेरे से मेरे को तो भाई वो वेब सीरीज़ वो वाली करनी हो मैं, मेरा वो क्रैक हो जाना चाहिए था ऑडिशन बट जब इस सब के डिसअपॉइंटमेंट के बाद आप बैठते हो रात को और सोचते हो नहीं ब्रो दिस इज ये माइंडसेट नहीं होना चाहिए आपका कि ब्रो बस अब अब क्या करूं मैं आपको क्यों लगता है कि जब आप जाते हो ऑडिशन के लिए yeah. पैसे की बात yeah. हो जाती है वेरी क्लोज टू बैगिंग द प्रोजेक्ट ये फिर वो रुक जाता है वो क्यों होता है क्योंकि जलसी आपको लगती है नहीं मुझे ऐसा लगता है आप वो वोट बताए लारे देना मुझे ऐसा लगता है आपको दे विल शो यू दल एस अरेट हाँ दे गिव यू द कैरेट और दे गिव यू दैट वेरी इंटरेस्टिंग थिंग ओके यू नो दिस इज दिस यू विल बी इन दिस एंड दे शो यू द ऑल दू नो एवरी थिंग यू आर द लीड यू आर द मेन लीड यू नोके आई एम द मेन लीड आई एम गोन क्रैक दिस बट but then that uh, you, you get, uh, this gets taken away. but it's okay, as i tell you, i think every, because i think we plan, they plan, and i think the lord plans. if he wants me to be somewhere, he will make it happen. he will crack doors for me, you know, and things will fall in place with, with, my, with my efforts also as well. you know, obviously, will i will never stop that, because that is what we can do, right? All we can do is work on ourselves and believe in him that he'll make things good. Even if it doesn't happen, it's okay. In fact, yeah. Apneek Bar tweet. Kiya tha. Right. You've tweeted a lot when Big Boss 16 was on. Yeah. Aapne ka so Archana was allowed to enter the house yeah. after eviction yeah. for alleged violence. Yeah. But why were the rules different for me? Yeah. I was pushed in the pool, yeah. no action. Yeah. i was pushed in the task for which i reciprocated but every blame was put on me why this bias yeah do you think big boss has been partial to some contestants obviously obviously it happens i am just a guy who just came in i just i, I think they what i heard was they just wanted me so that i can be there for three four weeks they never wanted me to go ahead so much because obviously tvk. हमारे सीजन में टीवी का हर एक बड़ा नाम था आप देख लो शमिता थी करण था आप जय था जो जिसको मैं जानता हूँ ओबियसली बाकी एक्टर्स भी थे तो हर एक बंदा एक जॉनर में यू नो काफ़ी फेमस था एंड दे हैड पुट एवरी वन एंड मेरे को भी रखा सिंगर्स अफसाना थी अकासा थी वेरी गुड एवरीबडी यू नो हैज एक्सेल्ड इन देयर ओन फील्ड ऑन ओन जॉनर एंड दे हैड पुट मी राइट अब मेरा रोल क्या था उसमें अब जब मैंने सबको देखा आई वॉज लाइक मेरा तो आई डोंट थिंक दिस वर्ल्ड आई बिलोंग टू दिस वर्ल्ड राइट तभी बोले ना इनिशियली मैं वो खुला नहीं बिकॉज मैं ऐसा देख रहा था बिकॉज एक हफ्ते पहले आई वॉज वर्किंग इन इन अ हॉस्पिटल एन आई आई वॉज जस्ट पुट देयर इन अ रियलिटी शो एंड और देखना और एक्सपीरियंस करना इट्स अव्यूज डिफरेंस राइट तो ऑब्वियसली जो लोग दे आर टेकिंग करोर्स ऑफ रुपीज राइट टू बी इन बिग बॉस दे विल बी पार्शल टू दैम

थ्री पीपल आर मोर फ्रॉम ओ टी टी दे केम फ्रॉम ओ टी टी राइट बट आई एम टेलिंगी बीट एंड राइट एंड नाउ ऑब्वियसली आई वॉज सो क्लोज टू फिनाले एंड आई हैड ऑलरेडी गॉन द फिनाले टिकट एंड आई डिड वन मिस्टेक एंड दे ब्लेम एवरी थिंग ऑन मी एक दिन पहले तुमने प्रतीक के साथ किया उस दिन भी तुमने किया और मुझे एक्चुअली लगा कि मैंने ही किया है ऑब्वियसली बिकॉज वैन एवरीबडी इज टेलिंग यू यू आर द culprit यू आर द कल्परेड ये है तू डॉक्टर ऐसा है तू इतना वायलेंट है तू ये एक टाइम पे आप सहम भी क्योंकि जब मैं आउट हुआ मैं एक्चुअली इतना सहमा हुआ था लाइक फक आई थिंक आई हैव डिस्ट्रॉयड माई इमेज बिकॉज दे थ्रू मी आउट एज अ वायलेंट डॉक्टर है ना मतलब एब तो मेरा वहाँ पे भी नहीं होगा लाइक मेरे दिमाग में चल रहा था कि बॉम्बे छोड़ना पड़ेगा आप कहाँ जाना है जम्मू जाना है कि अब दुबई का एग्जाम देना है क्योंकि मेरे दिमाग में हमेशा होता डैन मैंने फिर भाई से बात किया तो कमिंग बैक कि ऑब्वियसली व आई वुडे वॉन्ट जस्ट नॉर्मल गाए कम इन एंड टू बी इन जस्ट टॉप फाइव दे वॉन्टेड दे पीपल एंड मे बी एंड यू नो अब मैं सच ही बोलूँ आई आई एम लाइक इट्स ओके इवन इफ इट वॉज अनफेयर बट आई थिंक मेरे लिए उतना ही लिखा था बिकॉज यू नो आप वही चीज़ को लेके अभी तक अगर बैठे रहोगे कि भैया मैं टॉप फाइव में होता टॉप थ्री काश में टॉप टू था सलमान भाई मेरा हाथ पकड़ते ओबियसली वो मेरा ड्रीम था कि सलमान भाई क्योंकि सलमान भाई मेरा हाथ पकड़ते हैं क्योंकि मैंने मेरे भाई को देखा था और मैं उस ऑडियंस में था और वो क्लिप भी कटा हुआ जिसमें मैं देख रहा हूँ जो सिद्धार्थ जीता था <laughs> तो एक सपना होता है आपका एक डिज़ायर होता है मैं काश उस स्टेज तक पहुँच जाऊँ नहीं हुआ इट्स ओके okay. होता है आपको एक महीना दो महीने तक आपको लगता है कि यार ऐसा क्यों नहीं हुआ फिर आपको लगता है रिलैक्स आई थिंक इतना ही तू संभाल सकता था या इतना ही तू डाइजेस्ट कर सकता था गॉड वॉन्टेड दिस मच फॉर यू और ऐसा हुआ बाहर आके रिस्पॉन्स एकदम भूम हुआ जो मुझे ऐसा लगा कि नहीं होगा एम हैप्पी you know, I, I I, I well, आपने मेरा कॉन्वर्जेशन देखा आसिम के साथ मैंने देखा जी आसिम ने कहा था कि वोटिंग लाइंस लास्ट मोम में yeah. खोली थी yeah. जब सिद्धार्थ और exactly. वो ग्रैंड फिनाले में थे yeah. उसके बाद जब वो घर आया hmm. क्या हुआ यू मैं him? तो वहीं पे था एक्चुअली आई थिंक उस वक्त इतना कुछ हो रहा होता कि आप ऑब्वियसली उस बारे में ऑब्वियसली आप बात भी नहीं करना चाहोगे यू विल आई डोंट नो डों बिकॉज हमने सोचा था जब वो बिग बॉस में गया था कि वी नेवर इज बी था फिनाल राइट ऑब्वियसली वो पॉपुलैरिटी ग्रो करती गई करती गई करती गई बट uh, फिनाले तक वो पहुंच गया अब उसके दिमाग में क्या चल रहा था वो नोबडी कैन नो राइट हमें था कि हाँ ठीक है वो टॉप टू तक हुआ है बट आई थिंक वी एज अ फैमिली वी वर हैप्पी इन दैट ओनली हमने ये नहीं बोला शिट यार अब अगला बंदा सपोज कुछ फेल हो गया लाइक फक वाई डिड यू फेल अब उसको दिलासा दोगे ना ओके इट्स ओके इट्स ओके तो हम भी वैसा नहीं था कि ही इज फेल्ड नो ही इज गेन सो मच ऑफ पॉपुलरिटी एवरीबडी लव्ड हिम सो हम फॉर अब उसके दिमाग में क्या था उसका डिज़ायर जीतना था मे बी ऑब्वियसली एक एक कुछ चीज़ों से वो रह गया बट आई थिंक उसके बाद ओके बी यू नो ही 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 डिड सो मच ही डिड सो मच स्टफ इन हिज लाइफ जो आई थिंक वो पहले उसने सो आई थिंक सोचा होगा डिजायर किया होगा कि यू you नो know, तीन साल हो गए अभी तक चल रहा है तो आई थिंक एवरी थिंग वर्क फॉर हिम मुझे तो ऐसा लगता है uh, देखा जाए तो उस वक्त लोगों को लग रहा था कि सलमान खान आपको बहुत बैशिंग कर रहे थे <laughs> और ये बातें ओपन में आई कि सलमान इज बैशिंग एम वे टू मच क्या आपको भी लगा था हुँ? बैशिंग आई थिंक हाँ हो तो रहा था बट बट आई वुड से ज़्यादा मेरे ना प्रोफे uh, वो तो ठीक है जो अंदर आप गलतियाँ करते हो बट कुछ चीज़ें थी कि ना मेरे प्रोफेशन को बहुत ज़्यादा लाया जा रहा था बिकॉज किसी को ये नहीं बोला गया कि यार यू आर एन एक्टर यू कान बिहेव लाइक दिस यू के नॉट अब्यूज़ यू के नॉट पुश सम वन बिकॉज यू आर एन एक्टर बिकॉज एक्टर का तो आई थिंक uh, एक ज़्यादा ऑडियंस है एज़ कम्पेयर टू डॉक्टर डॉक्टर तो मुझे वो उसी हॉस्पिटल में जानते हैं कि हाँ ये एक डॉक्टर एक्टर का आई थिंक एक फील्ड या प्लेटफॉर्म इतना बड़ा है कि यू नो यू गॉट टू बी वेरी केयरफुल वैन यू आर एन एक्टर बिकॉज ऑब्वियसली फिर लोग बोलेंगे अरे ये ऐसा है तो लोगों को कभी टैग नहीं किया गया उसके साथ मेरे को हमेशा डॉक्टर के साथ टैग किया मे बी टू सप्रेस मी यू नो ये खुले ना बट यू नो जैसे ही वो स्क्रीन बंद होता था मैं वापस आई लाइक बिकॉज आई वॉज लाइक कि ठीक है अच्छा है बुरा है बट मुझे ऐसा लगता था मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ कोई कोई रिएक्शन कोई मेरे को कुछ बोल रहा है तभी मैं रिएक्ट कर रहा हूँ मैं ऐसा कोई पागल नहीं हूँ कि मैं लोगों को आ, लड़ रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ जब सलमान आप पे टफ हो रहे थे लगातार हाँ। क्या हुआ था अंदर मुझे ऐसा लग रहा था कि यू नो इवन इफ इज गेटिंग टफ ऑन मी ओके ही इज गिविंग मी अटेंशन सो आई सी आप दो तरीके से ले सकते हो चीजें या तो आप डिप्रेस हो जाओ स्ट्रेस हो जाए सलमान भाई ने डांट दिया अब तो तू बस चू भी नहीं करेगा चुप हो जाओ आई वो लाइक नहीं ये मेरी अपॉर्चुनिटी है एक सी मुझे ऐसा लगता है वो जो शो है ना एक मूवी है आप डिसाइड करते हो आप हीरो हो आप विलन हो आप साइड ऑडियंस हो आप यू you नो know, मुझे ऐसा लगता था मैं हीरो हूँ अब हीरो जो है मारता भी है गाली भी देता है तो मैं हीरो की तरह ही बिहेव कर रहा था मैं दोस्ती भी कर रहा था मैं फ्लर्ट भी कर रहा था प्यार मोहब्बत भी कर रहा था लड़ भी रहा था तो मैं अपने सा मैं और मैं वो टैग डॉक्टर का छोड़ दिया था क्योंकि मुझे ऐसा लगा अगर मैं डॉक्टर का टैग लेके जाऊंगा ना अंदर दिमाग में रखूंगा तो बहुत सारे मेरे एक्शन जो है मैं रुक जाऊंगा बड़ा मैंने सोचा तो वो डॉक्टर बाहर है ये ये दुनिया अलग है तो मैं शुरू हो गया और मेरे दिमाग में ये था ये ये पिक्चर चल रही है ब्रो ये रियलिटी शो तो है ये पिक्चर तो इस पिक्चर का हीरो है और वही कॉन्फिडेंस मुझे लेके गया अगर मैं सहम जाता ना भाई की डांट से तो मेरे को लगा डांट भी रहे हैं मतलब मेरे को देख तो रहे हैं और सलमान खान आपको देख रहे हैं और आपको डांट रहे हैं तो वही मैं वही क्लिप काट के देखूंगा देखूँगा ठीक है गाली पड़ी तो भाई से पड़ी